गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोग हिंदी सेकंड का दूसरा लेसन, कल आपको फर्स्ट पढ़ा लिया था, आज दूसरा पढ़ विचार। यानी कि आपके पास पार्ट टू है, पढ़ विचार। तो हम बड़ों को किस प्रकार से देखें और किस प्रकार से उसका वर्णन करें। कलयुग ने आपको बताया था कि इसमें कूलम यानी कि आपका अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी चाहिए। तो इसके अंतर्गत में आपने देख रहे होंगे अपनी बुक के अंदर, पहले में देखो स्वर लिखे हैं, व्यंजन लिखे हैं, अयोगवाण है और अतिरिक्त वर्ण भी है। वर्णमाला का अंतिम वर्ण ये ढां और ढाई होता है जो अतिरिक्त वर्ण में है। तो पहले क्वेश्चन चलता है वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है। तो भाषा की प्रयुक्त जिस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वह वर्ण कहलाते हैं। मतलब जैसे कि हमने क म ल लिखा, तो क स्वर और व्यंजन से मिलकर बनाए और किसी से नहीं बने, तो हम इसके टुकड़े नहीं कर पाए। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की प्रयुक्त जिस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, या हम ऐसे कह सकते भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े विभाजित नहीं किए जा सकते या जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के तीन भेद होते हैं, लेकिन आपकी किताब में दो भेद है, स्वर और व्यंजन। तीसरा था अयोगवाह। अयोगवाह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले स्वर, तो हिंदी भाषा में 11 स्वर की पुनरावृत्ति की गई। 11 स्वर है, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ही बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, री ऋषि, ए आए ओ आओ, ठीक है, ये 11 स्वर है। अब जो छोटा अंग बड़ा अंग रह गया ये अयोगवाह में चले जाते हैं। इसी तरह से व्यंजन, व्यंजनों की संख्या 33 होती है, वैसे कहीं कहीं 35 भी दी गई है, 35। तो जो अतिरिक्त वर्ण हैं वो व्यंजन में आ जाते हैं, ठीक है। और अयोगवाह 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। तो वो 3 आगे पढ़ेंगे। पहले हम स्वर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है वह स्वर कहता है। ये 11 होते हैं, इनके भी 3 भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, क्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है। अब कैसे कम समय लगता है उनको भी हम देखेंगे। ये गिनती में 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और वी एस। अब ई उ री ये हमारे 4 वर्ण।
दीर्घ स्वर में क्या होता है, इन स्वरों में हमारे हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में सात होते हैं, बड़ा आ, बड़ी की, बड़ा उ, ए, आए, ओ, औ। तो इनमें हर स्वर से ज्यादा समय लगा, लेकिन पुलुत स्वर क्या होता है, पुलुत स्वर में इन दोनों स्वरों से, हर्ष से और दीर्घ से, दुगुना समय लगता, मतलब हर्ष से तिगुना और दीर्घ से दुगुना, उसको हम पुलुत स्वर कहते हैं। ये जैसे ओम, तो ये क्या है, पुलुत स्वर। अब व्यंजन किसे कहते हैं, अब स्वरों के भेद भी तो पहले पढ़ लेंगे, अभी हमने स्वर के रूप पढ़े, तो ये मूल रूप से भी होते हैं और मात्रा के रूप से भी स्वर। मूल रूप से स्वर में क्या होता है, कई बार स्वर शब्दों के मूल रूप से ही प्रयोग हो जाते हैं, जैसे अनार, छोटे आ से अनार, छोटी ई से इमली, ए से ऐनक, छोटी ई से ऐनी, ऊ से ऊपरी। तो जी क्या है, मूल रूप, ये स्वर से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन मात्रा, अब मात्रा आती है तो इनकी मात्रा 11 होती है, ये जैसे 11 स्वर होते हैं, 11 इनकी मात्रा होती है। अब इन मात्रा को आप देख सकते हो। अब आता है व्यंजन, लेकिन तुम्हारा अयोगवा पहले दे दिया, लेकिन हम व्यंजन पढ़ेंगे पहले। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है वो व्यंजन कहलाते हैं। इसमें ये हमारे दो रूप होते हैं, एक तो उच्चारण के आधार पर और परस्पर मेल के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु, हवा कंठ से निकलकर मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, 25 होती है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये पंचम स्वर बोले जाते हैं, जैसे का खा गा घा उया, चा छा जा छा उआ, टा खा डा ढा अड़ा, ता था दा था ना, पा फा वा फा मा। तो ये हमारे पंचम स्वर में यार आला भाषा, तो ये क्या है, 25 होते गिनती है। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था, कल मैंने कहा था कि वर्णमाला जरूर याद कर लेना, तो आपको वर्णमाला याद होगी, आप आराम से करके चले। दूसरा आता है इसमें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के बीच में होता है। अब बीच में कैसे होता है, इसके अंदर अर्ध स्वर भी होते हैं,
इनका उच्चारण हम बोलते हैं तो जीभ से, होंठ से, दांतों से ये स्पर्श करके बाहर निकलते हैं। ये संख्या में चार होते हैं, यार लावा या र ल ब। जब इनको बोलोगे तो आपकी जो जीभ है दांतों से टकराएगी आपकी। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, अर्थात ऊष्मा निकलती है, उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी चार होते हैं, स स स प। ये तो व्यंजन थे। अब तीसरा जो पॉइंट था अयोग वाह, जबकि वर्णों के भेद को हम दो भागों में बांटते हैं स्वर और व्यंजन, लेकिन हम तीसरा भी नाम देते हैं अयोग वाह, जिसमें ये तीन प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया विसर्ग, अनुनासिक, अनुस्वार। तो अब पहले हम अयोग वाह के अनुस्वार को देखते, जिन वर्णों का उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती, इस पर हम अधिक जोर लगाएं तो वो अनुस्वार कहलाते हैं। इस ऊपर बिंदी लगा दी जाती है, जैसे बंदर, कंचन, गंगा, गंगा, जिस पर बिंदी लगी, ये हमारे अनुस्वार है। अब जैसे अंग से अंगूर वाला, अब आता है अनुनासिक। अनुनासिक में क्या करेंगे, जिन वर्णों को बोलने में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है, ये अनुनासिक क्या करते हैं। इसके ऊपर चंद बिंदी लगा देते हैं और उसे हम देख लेते, जैसे चांद, आंख, दांत, ये हमारे क्या होंगे, हमारे अनुनासिक होते। अब तीसरा है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में हम लोग खूब करते हैं, शब्द लिख के दो बिंदी पीछे लगा देते। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह मतलब हलंत के समान कोई शब्द होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं, मतलब ह की आवाज निकलती, जैसे दुख दा हिंदी ह दुख। अब जैसे प्रातः है, आपकी आवाज आ रही है, संस्कृत में इस सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो ये इस पाठ के अंतर्गत में आपकी ये चीज थी। कल हमने आपको दूसरा लेसन भी भेज दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको करके याद कर लेंगे और लिख जरूर लेना, क्योंकि आपके टेस्ट अब नजदीक ही हैं।